सो के दोस्तों मेरे पास है यहाँ चार कार्ड, 1 2 3 4, मतलब चारों के चारों ब्लैंक हैं, जिसमें से एक का बैक है हमारा रेड, ठीक है, दूसरा का हमारा है ब्लू, तीसरा का भी हमारा है ब्लू और चौथा का भी है ब्लू, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से वापस से इसको स्क्वायर अप कर लेते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं इस पर और ये देखते हैं इसका भी हमारा जो रेड का बैक का फेस है ये भी है हमारा ब्लैंक और इसका भी है हमारा ब्लैंक, वापस से इसका भी है हमारा ब्लैंक, राइट। ये तीन हमारा ब्लू का ब्लैंक है, एक स्नैप करेंगे ये भी इसका बैक चेंज हो जाएगा ब्लू में। सो दोस्तों ये ट्रिक मैं बताऊँगा कैसे किया जाता है, चलिए वीडियो को बने रहिएगा। सो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए होगी तीन ब्लैंक कार्ड जिसके बैक ब्लू हैं, आप कोई भी बैक ब्लू ले सकते हैं लेकिन उसका जो फेस है ब्लैंक ही हो, और आपको इस तरीके से डबल फेस बेकर चाहिए जो कि एक तरफ से रेड है दूसरी तरफ से ब्लू है, ठीक है, आपको ब्लैंक कार्ड तीन चाहिए और एक डबल बेकर चाहिए। अब डबल बेकर का जो ब्लू फेस है, मतलब ये जो देख रहे हैं इसका जो बैक है ब्लू है, इसका भी बैक जो है ब्लू है, ऊपर टॉप से तीसरे पोजिशन पर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है, स्क्वायर अप कर देंगे। दोस्तों यहाँ करना है इमल्सन काउंट, एक स्पेशल सा काउंट होता है, मैं बताऊँगा कैसे। जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको इस तरीके से आप मैकेनिक ग्रिप में पकड़ेंगे, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से ऊपर वाले कार्ड को इस तरीके से स्लाइड करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर वाला कार्ड जब स्लाइड होता है तो कुछ इसके कॉर्नर दिखते हैं, तो इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर की मदद से इसको खींच लेना है, ठीक है। अब यहाँ वापस से इसमें तीन कार्ड हैं, ठीक है, अब यहाँ आपको थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से दो कार्ड को स्लाइड करना है एक ही साथ, इसमें दो कार्ड हैं, ठीक है, दो कार्ड को इस तरीके से स्लाइड करेंगे और इस हैंड का जो कार्ड है इसको इसमें स्क्वायर अप करते हुए वापस इसी में ले लेंगे और दो कार्ड को यहाँ रख लेंगे, ठीक है, फिर इसको तीन और चार इस तरीके से काउंट करेंगे। मैं एक बार और शॉर्ट में बता दूँ, ठीक है, आप इस तरीके से अरेंज करेंगे डबल फेस बेकर को टॉप से तीसरे पोजीशन पे, इंडेक्स फिंगर की मदद से लेफ्ट हैंड का इंडेक्स थंब की मदद से स्लाइड करेंगे, इसको ग्रैब कर लेंगे, ठीक है, तीन कार्ड को इस हैंड में ले लेंगे, थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद दो कार्ड को एक साथ स्लाइड करेंगे और नीचे वाले कार्ड को इस हैंड में वापस से ले लेंगे, इस तरीके से काउंट होता है ये। तो जब ये आप काउंट करना सीख लेंगे तब नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे। तो मान लीजिए कि आपने इसे इस तरीके से काउंट किया, राइट, चार, ठीक है, टॉप पे हमारा रेड कार्ड दिखेगा जो कि डबल बैकर होगा, दिखाना नहीं है इसका जो बैक है, क्यों रेड दिखाना है, इसको यहाँ रख देना है, फिर ऑडियंस को दिखाना ये हमारा ब्लू है, इसको यहाँ रख देना है, फिर इसको भी यहाँ रख देना है और इसको भी यहाँ रख देना है, ठीक है, वापस से इसको स्क्वायर अप करेंगे, लेकिन जो टॉप का कार्ड है उसके नीचे एक पिंकी ब्रेक दे देंगे और इसके ऊपर जब रखेंगे इसको तो दो कार्ड को एक साथ लिफ्ट कर देंगे, इससे क्या होगा कि लगेगा कि जो रेड जिसका बैक है उसका जो फेस है ब्लैंक है, जबकि ये दूसरा कार्ड होगा, इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, और इस वाले कार्ड को देख रहे हैं जैसे, उसको बस जस्ट ऐसे पकड़ना है और दो कार्ड को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और नीचे वाले कार्ड को खींचना है इस तरीके से और इस तरीके से डाउन करना है, ठीक है। इसमें तीन कार्ड हैं, आप देख सकते हो, ऊपर का हमारा डबल बैकर है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से पकड़ना है, अंगूठे की मदद से इस तरीके से स्लाइड करना है, ठीक है, स्लाइड करने के बाद कुछ एज जो निकलेगा इससे इस तरीके से यहाँ डाउन कर देना है और यही वाला ऊपर वाला कार्ड जो कि डबल बैकर है इसको रख देना है, वापस इसको रख देना है, इसको रख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखेगा ये तीनों के तीनों ब्लू बैक है, एक स्नैप लगाएंगे और इसको दिखा देंगे कि ये भी ब्लू हो गया। सो दोस्तों आज की ट्रिक इतना ही, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ट्रिक पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।